हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता और आप देख रहे हैं गीतास कवरेज। आज मैं आपके साथ आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। लेट्स स्टार्ट। ऑयल गरम हो चुका है, हम इसमें जीरा, हींग, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे, क्योंकि आलू बैंगन से थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। कुछ देर ढक के रखने के बाद अब हमारा आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें कट किए हुए बैंगन ऐड कर लेंगे और दोनों को भी अच्छे से मिक्स करके फिर से ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, कुछ देर ढक के रखने के बाद अब हम इसमें कट किया हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में टेस्ट अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, आप किचन किंग भी डाल सकते हैं, और हल्दी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, गैस को हम लो फ्लेम पे ही रखेंगे और बार बार हम ऐसे ही हर मिनट में इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा बैंगन जो है नीचे ना लगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बैंगन नीचे चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही पक जाता है। बार बार ढक के और बार बार इसको चलाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। और अभी हमारा आलू बैंगन की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।